कर माया को, अहंकार मत कर काया को, अभिमान काया कार से काजी। मत कर माया को, अहंकार मत कर काया को, अभिमान काया कार से काजी। वो कायागार से काचीर जैसे ओस रामोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सत्य था महाराज जिनका, पुलकों में राज जिन घर झूलता हाथी, ओ जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया। हेलो 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 हेलो, 1 2 3 माइक चेक। एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो, जल्दी से जल्दी फटाफट से, शाबाश सारे बच्चे, ठोक दो भाई ठोक दो, लाइक का बटन दबा दो फटाफट से। और शेयर कर दो सारे ग्रुप में इसको फटाफट से जी, सारे बच्चे इसको फटाफट से शेयर कर दो। आज बच्चों को पता नहीं है टाइमिंग क्या है, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हर ग्रुप में फटाफट से शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ जल्दी से जल्दी, ताकि सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं फटाफट से। जल्दी जल्दी शेयर करो फटाफट से यार, जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो फटाफट से। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 माइक चेक। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, की हाल चाल? बढ़िया, सारे तंदुरुस्त हो, फैमिली बढ़िया सब। चलो बहुत बढ़िया जी जी जी, वीजियो वीजियो वीजियो, मत कर माया को, त्रिशूल देख रहे हो, रंग बिरंगा त्रिशूल देख रहे हो तुम मेरा
बच्चा अगर ऐसा लग रहा है कोई होता है ना, वो आंखों पे काला चश्मा डाल के वो नहीं आते सर, वो मांगने वाले आते हैं, ऐसा फील हो रहा है। उड़ा लो उड़ा लो उड़ा लो मजाक, उड़ा लो मेरे बच्चों, उड़ा लो, तुम्हारा टाइम चल रहा है अभी। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग जी। नया त्रिशूल आया हूँ आज मैं, नया त्रिशूल, वो भी रामलीला चल रही है ना, तो हमारे यहाँ पे एक स्टाफ काम करते हैं, तो वो स्पेशली मेरे लिए त्रिशूल लेके आए हैं कि सर रंग बिरंगा त्रिशूल होना चाहिए। देखो ये रहा मेरा पुराना त्रिशूल और ये रहा मेरा नया त्रिशूल। तो नया त्रिशूल अच्छा है ना, अच्छा अच्छा ना, नोना नोन है ना, नोना नोना बाबू है ना, अच्छा अच्छा त्रिशूल है महादेव का। हाँ भाई बहुत अच्छा त्रिशूल है, चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। सर जी आपकी आईज कैसी हैं यार, इन्फेक्शन पहले से ज्यादा बढ़ गया, मतलब कल तो फिर भी सही था भाई साहब, आयास तो ऐसे हो रहा कि आंख बंद भी नहीं कर पा रहा, इतनी दर्द हो रही है मेरे को, ठीक है, बट डॉक्टर ने कहा 3-4 दिन लगेंगे, अब 3-4 दिन लगेंगे तो लगेंगे जी, 3-4 दिन लगेंगे तो लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, चलते रहते हैं, ये तो दुख दर्द है, दुख दर्द कभी खत्म नहीं होता जिंदगी में, कभी कोई हमेशा खुश रहा है क्या, स्ट्रगल तो आते ही रहते हैं ना, तो स्ट्रगल आएंगे तो काम बनेगा, टेंशन काहे को लेनी है, चलते रहो बस, चलते रहो, रुकना नहीं चाहिए बस, ठीक है। चलो सारे बच्चे बराबर से लाइक का बटन ठोक दो और सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता आज हमारी जल्दी क्लास है, आपको मैंने रीजन बता दिया आज मैं जल्दी क्लास क्यों ले रहा हूं, तो क्योंकि कल मैंने सारे फास्ट रखे थे, कल माता रानी जो कंजके बैठती हैं उनके लिए सामान लेके आना है, जो भी मतलब सुबह कंजक पे देते हैं, तो घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि छोटी डॉटर ने बोला कि पापा सामान लेके आना है कंजकों के लिए, तो मैं कहा ठीक है जल्दी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास मिस नहीं कर सकता, क्लास थोड़ी जल्दी रख लूंगा, मिस नहीं कर पाऊंगा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए बस आ जाओ जी। चलो जी आ जाओ जी फटाफट से आ जाओ जी, ठीक है, इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से आ जाओ, आज वाली क्लास में हमें नया नया चैप्टर स्टार्ट करना है, हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है आज। लास्ट क्लास में आईटीसी वाले हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन हमारे बैलेंस बचे थे, उम्मीद करूंगा एक बार आप वो सोल्व कर लोगे, और आज वाली क्लास में हमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी का। चैप्टर का नाम बताओ फटाफट, सारे बच्चे कह रही पहले इसको ऐसा करो, इस चैप्टर को जितना हो सकता है ना उतना इंपोर्टेंट मार्क कर लो, इसको मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर लिख सकते हो, और यह लिख सकते हो कि कंफर्म एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनेगा ही बनेगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें से क्वेश्चन ना बने, ठीक है ना, एमसीक्यू उसके अंदर भी बन सकता है, नॉर्मल भी बन सकता है, कंफर्म इसमें से क्वेश्चन बनेगा, तो चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक बात बताऊं, इसमें सिर्फ 2-3 बातें समझने वाली है, एक तो कि जो इसमें इस चैप्टर में एक टर्नओवर की बात करेंगे, तो वो टर्नओवर कंप्यूट कैसे करनी होती है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें से बन जाता है, मतलब वो क्वेश्चन तुम्हें कैसे दे देंगे, वो काफी सारी सप्लाई दे देंगे और तुमसे पूछेंगे बताओ इसकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, फिर तुमसे पूछेंगे कि क्या ये पर्सन स्कीम लेने के एलिजिबल है या नहीं है, तुमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे बस, ठीक है, बट हाँ ये कन्फर्म है कि इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो चैप्टर को बहुत ध्यान से रिवाइज करना, 2 लेक्चर में खत्म करना है, लेक्चर नंबर 1 आ जाए, कल वाली क्लास में हम इसके चैप्टर को फाइनली खत्म कर देंगे, आज वाली क्लास में आधा खत्म करेंगे, कल वाली क्लास में आधा खत्म करेंगे जी, ठीक है। चलो इसका पेज नंबर जो है, पेज नंबर है 104 जी, आपका बुक में पेज नंबर है 104, आ जाओ फटाफट अब सारे के सारे बच्चे, इधर देखो ध्यान से, अब यहां पे चैप्टर है क्या, अब पहले सारे के सारे बच्चों समझो कि जीएसटी जो होता है ना, जीएसटी में ना आपकी 2 स्कीम होती है, मतलब पहली बात तो ये समझ लो कि जीएसटी में आपकी 2 स्कीम होती हैं। 2 स्कीम कौन कौन सी होती है, एक तो जीएसटी में स्कीम होती है नॉर्मल स्कीम और एक स्कीम होती है कंसेशनल स्कीम। सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, सारे बच्चे साथ साथ बोलेंगे, बताओ जीएसटी में कितनी स्कीम होती है, 2 स्कीम होती है, एक तो होती है नॉर्मल स्कीम और एक होती है कंसेशनल स्कीम। अब अगर मैं नॉर्मल स्कीम की बात करूंगा, नॉर्मल स्कीम का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूं तो मैं नॉर्मल स्कीम में कवर हूं, मैं नॉर्मल स्कीम में कवर हूं, यहां पे क्या लिखा होता है, नॉर्मल स्कीम में लिखा होता है रेगुलर स्कीम। किसी को याद है जब हमने जीएसटी का त्रिशूल बैच स्टार्ट किया था ये वाला, तो मैंने अपना जीएसटी नंबर खोल के दिखाया था आपको, किसी बच्चे को अगर याद आ रहा हो, मैंने अपना जीएसटी नंबर तुम्हें खोल के दिखाया था, अगर आपको याद आ रहा हो, याद है थोड़ा बहुत आपको, याद करो मैंने आपको जीएसटी में अपना नंबर खोल के दिखाया था, जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं, मैंने जीएसटी में अपना जीएसटी नंबर खोल के दिखाया था, जीएसटी की वेबसाइट पे जाके,
याद करो जब मैंने सर्विस चार्ज की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कुछ, आपको पता नहीं अब तुम्हें याद आ रहा है नहीं आया, बिल्कुल ही नालायक बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। याद है तुम्हें? नहीं याद है? याद है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर किसी को याद हो, मैंने अपना जीएसटी नंबर खोल के दिखाया था, तो जीएसटी नंबर जब मैंने खोल के दिखाया था ना, तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई थी, अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो, रेगुलर स्कीम। और याद है कल हमने आईटीसी वाले क्वेश्चन किए थे, तो हर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? रेगुलर स्कीम लिखी हुई थी, याद है? मतलब जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कल वाली क्लास में, ऊपर लिखा हुआ था इस पर्सन ने रेगुलर स्कीम ली है। तो रेगुलर स्कीम का मतलब क्या होता है? नॉर्मल स्कीम, मतलब जो हर पर्सन नॉर्मली ऑप्ट करता है उसको रेगुलर स्कीम बोलते हैं। मैं कन्फर्म हूं जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, आई थिंक अगर आपके पापा जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, अच्छा एक बात मैं बताना, जितने बच्चे इस टाइम सामने बैठे हैं, सोच के बताओ आप में से किन किन के फादर या मदर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, एक बार मेरे को बताना जी। जिन जिन बच्चों के फादर या मदर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, एक बार बस यहां पे यस लिख दो, यस। एक बार सारे के सारे बच्चे यस लिख दो, जिन जिनके फादर या मदर या कोई भी नॉन पर्सन जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एक बार यस लिखना। एक बार सिर्फ यहां पे यस लिख दो जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जिन जिनके फादर हैं वो यहां पे यस लिख दो, जो भी फादर या मदर जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जैसे मान लो एक बच्चा है कुदरत, उसके फादर हैं, फिर प्राची के फादर हैं जी, फिर साकेत के फादर हैं, उसके बाद फिर ये मान लो बच्चा मयंक के फादर हैं, शिवाली के फादर हैं। अब जितने बच्चों के फादर हैं, एक बार ऐसा करना मेरे कहने पर, अगर पापा भी घर में हैं तो अभी पूछ लो, पापा रात को आएंगे, रात को पूछ लेना, एक बार पूछना या उनका जीएसटी नंबर एक बार चेक कर लेना। आपको पता है जीएसटी नंबर चेक कैसे करते हैं? जीएसटी की वेबसाइट पे जाओगे, सर्च टैक्स पेयर पे जाके जीएसटी नंबर डाल दोगे, आपके फादर का जीएसटी नंबर खुल जाएगा, चेक करना। मैं कंफर्म हूं 90% बच्चों के फादर जो होंगे वो रेगुलर स्कीम में होंगे जी। मैं 10% बच्चों की बात नहीं कर रहा, बट 90% बच्चों के फादर जो हैं वो रेगुलर स्कीम में कवर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं वो सबके सब रेगुलर स्कीम में कवर है। 10% बच्चों के फादर ऐसा हो सकता है वो कंसेशनल स्कीम में कवर हो जी। तो पहली बात तो ये समझो कि दो स्कीम होती है जीएसटी में, एक तो होती है रेगुलर स्कीम, एक होती है कंसेशनल स्कीम। रेगुलर स्कीम में सारी बातें नॉर्मल होती है, कंसेशनल स्कीम में क्या क्या होता है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का पूरा चैप्टर जो हमारा डिवोटेड है वो चैप्टर कंसेशनल स्कीम में है। पहली बात ये समझो कि जो कंसेशनल स्कीम होती है ना, इस स्कीम के काफी सारे नाम होते हैं, मतलब एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो अलग अलग नाम से बन सकता है। किस किस नाम से क्वेश्चन बन सकता है जी? इस स्कीम का एक नाम है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम या कॉम्पोजिशन लेवी, पहला नाम तो ये है। दूसरा इसका नाम है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है इसमें रेट ऑफ टैक्स आपके फिक्स है, जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी उसका इतने परसेंट रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। जैसे मान लो कल हमारा सुदर्शन बैच में सुबह पीजीपी स्टार्ट हो रहा है, अब हम पीजीपी के अंदर डिस्कस करेंगे एक प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है। अब पीजीपी के अंदर भी सेक्शन नंबर 44AD, सेक्शन नंबर 44ADA, सेक्शन नंबर 44AE, वो सारा प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है। तो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि जहां पर एक टर्नओवर दी होगी उस टर्नओवर में एक परसेंटेज दिया होगा, टर्नओवर का परसेंटेज निकालोगे अमाउंट आपका निकल कर आ जाएगा। यहां पर भी सेम अमाउंट है, यहां पर भी सेम गवर्नमेंट कहना चाहती है कि आपके टर्नओवर का इतने परसेंट आपको कंसेशनल टैक्स पे करना है, इसको प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद इसको हम कंसेशनल स्कीम भी कह सकते हैं, इसको हम फ्लैट रेट सिस्टम भी कह सकते हैं। अब फ्लैट रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? इस पे अलग अलग रेट एप्लीकेबल नहीं होते, इस पे गवर्नमेंट कहती है जो भी तुम्हारी टर्नओवर है ना उस पे ये फ्लैट रेट लगेगा जी। भाई जितनी भी तुम्हारी टर्नओवर होगी उस पे फ्लैट रेट लगेगा, तो इसको फ्लैट रेट स्कीम भी कह सकते हैं। फिर इसको हम स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, भाई जो भी आपके छोटे मोटे बिजनेसमैन होंगे वो पर्सन ये स्कीम ले सकते हैं, नॉर्मली जो बड़े बिजनेसमैन होंगे वो ये स्कीम नहीं लेते। तो इनमें से किसी भी नाम से आप बुला सकते हो। पहले तो सारे बच्चे में कोई नाम बताओ कौन कौन से नाम निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला नाम क्या निकल के आ रहा है? पहला नाम निकल के आ रहा है कॉम्पोजिशन लेवी। दूसरा नाम क्या निकल के आ रहा है? कॉम्पोजिशन स्कीम। तीसरा नाम क्या निकल के आ रहा है? प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। चौथा नाम क्या निकल के आ रहा है? फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम। पांचवा नाम क्या निकल के आ रहा है? उसके बाद कंसेशनल स्कीम। छठा नाम क्या निकल के आ रहा है? स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। और इसका एक और नाम भी आप कह सकते हो, इस स्कीम को आप ऑप्शनल स्कीम के नाम से भी बुला सकते हो। मतलब ये स्कीम ऑप्शनल स्कीम है, ये स्कीम मैंडेटरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्कीम लेनी लेनी है, ऑप्शन है। अगर किसी को नहीं लेनी तो वो नॉर्मल स्कीम भी ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस स्कीम और नॉर्मल स्कीम में ऑप्शन है, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कहता है, सर इतने सारे स्कीम के नाम है, बट एक बात मेरे को बताओ, मतलब जैसे मान लो कोई बंदा रेगुलर स्कीम ले रहा है,
रेगुलर स्कीम का मतलब कोई बंदा नॉर्मल स्कीम ले रहा है या कोई बंदा कंसेशनल स्कीम ले रहा है, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? गाबा सर, ओए गाबा सर सुनो, हेलो भाई साहब सुनो, जैसे मेरे पापा भी साथ बैठे हैं, तो मेरे पापा साथ बैठे हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे को भी ना जीएसटी में कवर होना है, मतलब मैं जीएसटी में आना चाहता हूं। अब ये सामने जो तेरा टीचर है, क्या नाम है इसका? गाबा। अब ये गाबे ने क्या किया, मन में डाउट डाल दिया कि जीएसटी में दो स्कीम होती है, नॉर्मल स्कीम भी होती है, कंसेशनल स्कीम भी होती है। अब मेरे को तो पटवारी जी के दोस्त ने कहा था कि नॉर्मल स्कीम ले लेना, अब तेरा टीचर जो ये गाबा है ये कंसेशनल स्कीम की बात भी कर रहे हैं, तो एक बार ये डिफरेंस तो बता दे कि नॉर्मल स्कीम और कंसेशनल स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं भी घर में बैठा हूं, भाग्यवान सुनती हो जरा, एक चाय ले आना, साथ में नमकीन भी ले आना, मैं गाबे का लेक्चर देख रहा हूं। लो भी पापा भी साथ बैठ गए, पापे का बेटा भी साथ बैठ गया, पापे की बेटी भी साथ बैठ गई। अब दोनों मिलकर यह समझना कि नॉर्मल स्कीम और कंसेशनल स्कीम में फर्क क्या होता है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी कि दोनों स्कीम में फर्क क्या है, आप खुद बताओ किसी को कंसल्ट क्या करोगे। एक क्लाइंट आपके पास आ गया, उसने बोला कि साहब ये बताओ कि अगर मैं नॉर्मल स्कीम लूं तो क्या होगा, कंसेशनल स्कीम लूं तो क्या होगा, तो दोनों स्कीम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एक बार वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर वो डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए, ये लगा लो आधा चैप्टर हमारा खत्म हो गया आज। और मैं बता दूं, ये डिफरेंसेस किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, किसी ऑथर की बुक में किसी ने कॉपी वोपी कर ली हो तो बातें कर लग गया, बट किसी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। ये डिफरेंसेस पूरा बेयर लो पढ़ने के बाद खुद बनाए गए हैं, इन दोनों स्कीम में क्या डिफरेंसेस होते हैं जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, एग्जाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों स्कीम में क्या क्या डिफरेंसेज है, कि नॉर्मल स्कीम में क्या डिफरेंस है और कंसेशनल स्कीम में क्या डिफरेंस है, बस ये पर ध्यान दो जी। आओ जी अब एक बार फटाफट से वन बाय वन चेक करते हैं कि दोनों स्कीम में क्या क्या आ रहा है जी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर मैं नॉर्मल स्कीम की बात करूंगा तो नॉर्मल स्कीम जो है वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर है, कंसेशनल स्कीम जो है वो सेक्शन नंबर 10 के अंदर है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये समझ लो, अगर किसी बंदे को, हेलो अंकल जी हेलो अंकल जी सुनो, अगर आपने नॉर्मल स्कीम लेनी है सेक्शन 9 फॉलो करना पड़ेगा, अगर कंसेशनल स्कीम लेनी है सेक्शन 10 फॉलो करना पड़ेगा, पहला डिफरेंस तो ये है। तो अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो, अगर आप नॉर्मल स्कीम लेना चाहते हो सेक्शन 9 पढ़ लेना, कंसेशनल स्कीम लेना चाहते हो सेक्शन 10 पढ़ लेना, पहला डिफरेंस तो अंकल जी ये है। दूसरा डिफरेंस अगर ये है कि अगर आप नॉर्मल स्कीम लोगे ना तो नॉर्मल स्कीम वालों को आईटीसी मिल जाता है, नॉर्मल स्कीम वालों को आईटीसी मिल जाता है, अगर आप नॉर्मल स्कीम लोगे आपको आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी होता क्या है, ये आपके साथ बैठे नालायक बताना, आईटीसी अपने अंकल को बता, पापा को बता आईटीसी क्या होता है। पापा आईटीसी होता है ना कि जब भी हम कोई सामान परचेस करके आएंगे, वो अगर सामान हमारे बिजनेस के लिए होगा उस पर हम जो भी जीएसटी देकर आएंगे ना उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। ये विवेक गाबा सर उसकी बात कर रहे हैं। तो होता क्या, नॉर्मल स्कीम में वो मिल जाता है, बट हाँ उसकी कुछ कंडीशन होती है, बट नॉर्मल स्कीम में आईटीसी अलाउड हो जाता है, कंसेशनल स्कीम के अंदर जो होता है पापा आईटीसी अलाउड नहीं होता। दूसरा डिफरेंस ये है कि भैया नॉर्मल स्कीम वाले अपनी परचेस पर जो भी जीएसटी देकर आएंगे उसका आईटीसी क्लेम कर लेंगे, और कंसेशनल स्कीम वालों को आईटीसी नहीं मिलता। दूसरा डिफरेंस ये निकल के आता है। तीसरा डिफरेंस ये निकल के आता है कि नॉर्मल स्कीम वाले जब भी गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाते हैं वो अपने जीएसटी में से आईटीसी माइनस कर लेते हैं, फिर बैलेंस जो जीएसटी होता है वो देते हैं। इस तरह से पॉइंट होता है, मतलब जैसे मान लो अंकल एक बात बताओ, आप पूरे मेरे क्लास से क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैं आपकी बात करता हूं, आपकी बात मैं कर रहा हूं, दो मिनट इधर तो देखो ध्यान से, आपकी बात मैं कर रहा हूं, मान लो आपने गवर्नमेंट को जीएसटी देना है। अब अगर आपने गवर्नमेंट को जीएसटी देना है और आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है, आईटीसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ने आपको फायदा दे दिया कुछ, अब आपके पास आईटीसी पड़ा है, आपने पैसा गवर्नमेंट को देना है, तो जब वो पैसा गवर्नमेंट को देने जाओगे उसमें से आईटीसी माइनस कर लोगे, बैलेंस टैक्स आप पे कर दोगे। ये नॉर्मल स्कीम में कर सकते हो, बट कंसेशनल स्कीम में ऐसा नहीं होता। कंसेशनल स्कीम में जो हमारा कंसेशनल टैक्स बनेगा, जो कंसेशनल जीएसटी बनेगा, वो सारा हमें देना पड़ेगा, उसकी पेमेंट के टाइम पर हम आईटी से यूज नहीं कर सकते। तीसरा डिफरेंस अंकल ये निकल के आ रहा है। देखो तीसरा डिफरेंस क्या है कि जब भी मैं नॉर्मल यहां पे टैक्स पे करने जाऊंगा तो सारा टैक्स मेरे को पे करना पड़ेगा, कोई भी आईटीसी इसमें से माइनस नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। जैसे मान लो नॉर्मल स्कीम में 1200 मेरे को लेने हैं, 1500 देने हैं, 1500 माइनस में 1200, 300 रुपए नेट मेरे को देने पड़ेंगे। कंसेशनल स्कीम में अगर मेरा 1500 टैक्स आ रहा है तो 1500 ही मेरे को देने होंगे, उस केस में कोई भी आईटीसी मेरे को नहीं मिलेगा, ना ही आईटीसी को मैं यूज कर पाऊंगा। वो सारी बातें बेकार की हैं। ये तीन डिफरेंस हो गए अंकल। अब अंकल बताओ तीन डिफरेंस कौन कौन से।
हेलो भाई साहब, तीन डिफरेंस बताओ। पहला डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है, रेगुलर स्कीम 9, कंसेशनल स्कीम 10। दूसरा है, हाँ, रेगुलर स्कीम वालों को आईटीसी मिल जाता है, कंसेशनल स्कीम वालों को आईटीसी नहीं मिलता। तीसरा डिफरेंस, रेगुलर स्कीम में जब भी हम जीएसटी पे करने जाते हैं आईटीसी माइनस कर देते हैं, और कंसेशनल स्कीम में आईटीसी माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर आईटीसी मिलता ही नहीं है। चौथा डिफरेंस अंकल ये निकल के आ रहा है कि जो चार पांच बच्चों के नाम ले रहा हूं, वो अपना हिसाब लगा लें कि उनका क्या पेपर में करना है। विश्वजीत, नेहा, विश्वजीत और नेहा, ये दो बच्चे मेरे पकड़ में आए हैं। हिसाब लगा लें, उनके पेपर हैं दिसंबर में, हिसाब लगा के चलना अपना। या तो बातें कर लो या समझ लो। क्यों घर वालों को धोखा देना है कि यूट्यूब पे बैठ के क्लास देख रहे हो? उनको क्या पता कि बातें ही कर रहे हो यहां पे नालायक कहीं के। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट सुनो ध्यान से, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि फोर्थ पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो नॉर्मल स्कीम लेनी है। अब अंकल एक बात मैं बताओ, जैसे अगर आपने रेगुलर स्कीम लेनी है ना, तो रेगुलर स्कीम में पता क्या कर सकते हो आप? रेगुलर स्कीम में कोई रोक टोक नहीं है। जैसे आप कह रहे थे ना कि वो पटवारी जी के दोस्त ने बोला कि रेगुलर स्कीम ले लो, तो अंकल रेगुलर स्कीम में ना कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक का मतलब क्या है? आप सामान कहीं से भी परचेज करो, कहीं पर भी सामान बेचो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो सेम स्टेट में सामान बेचना है, बेच सकते हो। दूसरी स्टेट में सामान बेचना है, बेच सकते हो। सेम स्टेट से सामान परचेज करना है, कर सकते हो। दूसरी स्टेट से परचेज करना है, कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी परचेज करो, कहीं पर भी सेल करो, मैटर ही नहीं करता, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पर अगर अंकल आप कंसेशनल स्कीम ले रहे हो, अब अगर कंसेशनल स्कीम ले रहे हो तो आप अपने आप को छोटा बिजनेसमैन कह रहे हो। अब अगर छोटा बिजनेसमैन कह रहे हो तो आप बड़े सपने नहीं देख पाओगे। बड़े सपने का मतलब क्या है? सामान परचेज कहीं से भी कर सकते हो, बट अगर तुम्हें सामान बेचना है तो सेम स्टेट में सामान बेच पाओगे, दूसरी स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है, कंसेशनल स्कीम वाले इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, परचेज कहीं से भी करेंगे बट इंटर स्टेट सामान बेच नहीं सकते। बस ये पर ध्यान दो जी। तो देखो यहां पे अगला डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, अगर आप नॉर्मल स्कीम लेके बैठे हो, परचेज कहीं से भी करो, सेल कहीं पर भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेशनल स्कीम वाले जो हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे, परचेज कहीं से भी करें बट अगर सेल करनी है तो सेम स्टेट में सेल कर सकते हैं, दूसरी स्टेट में सेल नहीं कर सकते। यह फर्क आ रहा है चौथा डिफरेंस। तो अंकल अपने दिमाग में ना ये बातें लेके चलना, अपने दिमाग में ना डिफरेंस लेके चलना, क्योंकि टोटल 20 डिफरेंस हैं और 20 डिफरेंस के बाद आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी स्कीम कौन सी अच्छी है। तो चार डिफरेंस मैंने अभी तक बता दी हैं, अब इन चारों के बेस पे कौन सी अच्छी लग रही है? ऑब्वियस बात है, नॉर्मल स्कीम अच्छी लग रही है। नॉर्मल स्कीम क्यों अच्छी लग रही है? आईटीसी मिल रहा है, पेमेंट के टाइम पर आईटीसी यूज कर पा रहा हूं, फिर सामान कहीं पर भी बेच सकता हूं, सारे बेनिफिट नॉर्मल स्कीम में अच्छे हैं। और कंसेशनल स्कीम में नुकसान क्या हो रहा है? आईटीसी नहीं मिल रहा, पेमेंट के टाइम पे आईटीसी यूज नहीं कर पा रहा, दूसरी स्टेट में सामान बेच नहीं पा रहा। बट अभी और डिफरेंस देखते हैं। अगला डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि नॉर्मल स्कीम जो है वो कोई भी पर्सन जो है ना वो ऑप्ट कर सकता है, नॉर्मल स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना, आप नॉर्मल स्कीम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी टर्नओवर 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 40 करोड़ है, 50 करोड़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल स्कीम ले लो, नॉर्मल स्कीम सभी के लिए, नॉर्मल स्कीम में कोई क्लेश ही नहीं है, नॉर्मल स्कीम सभी के लिए, नॉर्मल स्कीम कोई भी ऑप्ट कर सकता है। बट कंसेशनल स्कीम में क्या है? कंसेशनल स्कीम में ओनली स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन जो है वही ऑप्ट कर पाएंगे, कोई दूसरा बंदा ऑप्ट नहीं कर पाएगा। अब स्पेसिफाइड का मतलब होता है जिसकी टर्नओवर पिछले साल में 150 लाख तक है, या कुछ केस में 75 लाख तक है, या कुछ केस में 50 लाख है। अब ये मत पूछना सर 150 लाख कहाँ है, या मतलब 75 लाख कहाँ है, या 50 लाख कहाँ है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। 150 लाख हमें कहाँ देखनी है, 75 कहाँ देखनी है, 50 लाख कहाँ देखनी है। बट अभी दिमाग पे इतना लेकर आओ, जिसकी टर्नओवर 150 लाख से ऊपर है वो कंसेशनल स्कीम ले ही नहीं सकता। तो अंकल अब अगर आप स्कीम लेना चाह रहे हो ना, आपने कहा स्कीम लेनी है, एक बार चेक करो पिछले साल की टर्नओवर क्या थी, कितनी थी? 80 लाख रुपए थी। ले सकते हो, 80 लाख रुपए है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंसेशनल स्कीम ले सकते हो, नॉर्मल स्कीम भी ले सकते हो, कंसेशनल भी ले सकते हो। हाँ, अगर आपकी टर्नओवर मान लो पिछले साल की 200 लाख होती तो सिर्फ नॉर्मल स्कीम मिलती, फिर तुम्हें कंसेशनल स्कीम मिलती नहीं। तो अगर पिछले साल की टर्नओवर 80 लाख है, आपके पास ऑप्शन है कि नॉर्मल और कंसेशनल कोई भी स्कीम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले पॉइंट पर आओ जी।
अब अंकल अगर आप नॉर्मल स्कीम लेते हो, अगर आप नॉर्मल स्कीम लेते हो तो आपको ना रिटर्न जो भरनी पड़ेंगी वो टोटल 25 रिटर्न भरनी पड़ेंगी। अब यहां पे थोड़े से नुकसान गिनवा रहा हूं, अभी तक मैंने नॉर्मल स्कीम के फायदे गिनवाए, अब नॉर्मल स्कीम के नुकसान गिनवा रहा हूं। नॉर्मल स्कीम का नुकसान ये है, जैसे आप नॉर्मल स्कीम लेके बैठ गए, आपको एक साल में 25 रिटर्न भरनी है, 25 रिटर्न, यस, कैसे वो सुनो, एक महीने में दो रिटर्न जाती है, एक महीने में दो रिटर्न जाती है, एक तो होता है GSTR 1 और एक होती है GSTR 3B। अब अगर एक महीने में दो रिटर्न जा रही है तो GSTR 1, GSTR 3B, तो एक महीने में दो जा रही है, एक महीने में दो, 12 महीने में 24 और एक एनुअल 25 रिटर्न भरनी पड़ेंगी अगर आप नॉर्मल स्कीम लेते हो। बट हां अगर आप नॉर्मल स्कीम लेते हो तो इसमें QRMP स्कीम भी है। QRMP का मतलब होता है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आप QRMP स्कीम ले सकते हो। अगर आप QRMP स्कीम लेते हो तो फिर आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी है, हर क्वार्टर में एक रिटर्न, तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 और एक 5, फिर आपको 5 रिटर्न भरनी है अगर आप QRMP स्कीम लेते हो। बट अगर आप कंसेशनल स्कीम लेते हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप कंसेशनल स्कीम लेते हो आपको सिर्फ 2 ही रिटर्न भरनी है और दोनों के दोनों एनुअल है, कोई क्वार्टरली कोई मंथली रिटर्न नहीं भरनी, दोनों के दोनों एनुअल रिटर्न है जी। देखो अंकल यहां पे चेक करो, तो यहां पे देखो आपको 25 रिटर्न भरनी है, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9, और अगर QRMP आपने स्कीम ली है तो एक क्वार्टरली एक ये, टोटल मिला के 5 रिटर्न भरनी है। और अगर बात करूंगा कंसेशनल स्कीम की, सिर्फ आपको 2 रिटर्न भरनी है, दोनों के दोनों एनुअल है, एक GSTR 4 है और एक GSTR 9A है। यह थोड़ा सा आपको नुकसान है, मतलब यहां थोड़ा सा नुकसान है कि नॉर्मल स्कीम में कंप्लायंस थोड़े से ज्यादा है, कंसेशनल स्कीम में कंप्लायंस थोड़े से कम है, यह थोड़ा सा फर्क निकल के आ रहा है। अगला डिफरेंस अंकल, नॉर्मल स्कीम अगर आप लेते हो तो टैक्स रेट आपके ज्यादा है, नॉर्मल स्कीम ना आपके टैक्स रेट ज्यादा है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, जबकि कंसेशनल स्कीम में सिर्फ 3 टैक्स रेट है, एक तो 1% है, एक 5% है और एक 6%। अब ये 1% किसको देना है, 5% किसको देना है, 6, वो सारी बातें हम देख लेंगे, बट 3 रेट आपके हैं कंसेशनल स्कीम में। वही अगर आप नॉर्मल स्कीम लेके बैठे हो तो 5, 12, 18, 28, ये 4 रेट आपके निकल के आ रहे हैं नॉर्मल स्कीम के अंदर। अब एक बात बताओ, यहां पर फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, यहां पर फायदा आपको, मतलब कंसेशनल स्कीम लेने में फायदा है, नॉर्मल स्कीम लेने में नुकसान है, क्योंकि वहां पर टैक्स रेट ज्यादा है, यहां पर टैक्स रेट कम है। अगला डिफरेंस, नॉर्मल स्कीम में अंकल आपको डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और कंसेशनल स्कीम में लेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अगर आप रेगुलर स्कीम ले रहे हो, नॉर्मल स्कीम ले रहे हो, डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जबकि कंसेशनल स्कीम में लेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको फायदा हो जाएगा जी। फिर नॉर्मल स्कीम में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स रिक्वायर है, एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देना। अगर मान लो अंकल जी, भाई साहब, अंकल जी, हेलो, ओए इधर इधर अंकल, एक बात मेरे को बताना, आपने नॉर्मल स्कीम ली है, अगर आप नॉर्मल स्कीम ली है, जैसे मान लो मैंने नॉर्मल स्कीम ली है, तो अगर मैंने नॉर्मल स्कीम ली है, मैंने त्रिशूल बेचा, तो अगर मैंने त्रिशूल बेचा तो क्या त्रिशूल पर डमरू का रेट लगेगा या त्रिशूल का लगेगा? सारे बच्चे बोल दो, क्या त्रिशूल पर त्रिशूल का रेट लगेगा या डमरू का रेट लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, त्रिशूल पर त्रिशूल का रेट लगेगा। अच्छा, अगर मैंने डमरू बेचा तो डमरू पर रेट कौन सा लगेगा? डमरू का रेट लगेगा। अगर मैंने कैलकुलेटर बेचा, रेट कौन सा लगेगा? कैलकुलेटर का लगेगा। अगर मैंने रिमोट बेचा, रेट किसका लगेगा? रिमोट का लगेगा। बट कंसेशनल स्कीम में अंकल ऐसा नहीं है, कंसेशनल स्कीम में कोई क्लासिफिकेशन की नीड नहीं होती। कंसेशनल स्कीम में क्या होता है, जितनी आपने टोटल सेल की है, डमरू, त्रिशूल, रिमोट, कैलकुलेटर, इन सबको मिलाकर आपने कितने का सामान बेचा, उस पूरी टर्नओवर पर एक रेट लग जाएगा, वहां पे क्लासिफिकेशन की नीड नहीं होती, बस ये पर ध्यान दो। तो अंकल ये फायदा मिलेगा आपको, जबकि नॉर्मल स्कीम में हर चीज क्लासिफाई करनी पड़ती है कि दाल पर दाल का रेट, चावल पे चावल का रेट, पुदीने पे पुदीने का रेट, गेहूं पे गेहूं का रेट। बट कंसेशनल स्कीम में ऐसा नहीं है, जितनी तुम्हारी टर्नओवर है ना, उस टर्नओवर पर एक रेट लग जाएगा, यह फायदा तुम्हें कंसेशनल स्कीम के अंदर मिलेगा, यह फायदा है। तो नॉर्मल स्कीम में क्लासिफिकेशन करना पड़ रहा है, कंसेशनल स्कीम में क्लासिफिकेशन करना नहीं पड़ रहा। अगले पर आओ जी। अब अगले पर क्या है अंकल, नॉर्मल स्कीम में टैक्स का बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट अप कर सकते हो। नॉर्मल स्कीम में क्या है, जैसे आपको मैंने क्या बोला, नॉर्मल स्कीम में जीएसटी लगेगा, अब जीएसटी का बर्डन जो है ना वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर सकते हो।
आपको मैंने जीएसटी की पहली क्लास के अंदर ही कहा था, जीएसटी का मतलब क्या होता है, लेवी किसी और पर, बर्डन किसी और पर। तो बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर सकते हो नॉर्मल स्कीम के अंदर, बट कंसेशनल स्कीम में तुम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। इट मींस जो भी तुम्हारा कंसेशनल जीएसटी है ये तुम्हें अपनी जेब से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये तुम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान दो जी। तो सारे बच्चे एक बात ध्यान दें, वैसे तो जीएसटी में बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं बट कंसेशनल स्कीम वाले केस में अलाउड नहीं है। अंकल इसका मतलब ये है कि अगर आप कंसेशनल स्कीम लेके बैठते हो तो जो भी कंसेशनल जीएसटी है उसका बर्डन आपकी ही जेब पर आएगा, आप वो पैसा कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूं इस बात से, मैं गलत कह ही नहीं रहा अंकल इसको, मैं आपकी बात मान रहा हूं। गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बिल होते हैं जहां पे कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं बट वो गलत कर रहे हैं ना। हम पढ़े लिखे अनपढ़ है, गलती किसकी है, हमारी, कस्टमर की। हम कस्टमर बोलता ही नहीं है। डेली बेस पर मेरे को बच्चे व्हाट्सएप करते हैं कि सर देखो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल, फिर भी जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो गलती किसकी है? तुम्हारी गलती है। भाई अगर आप जीएसटी, आप जीएसटी खोल रहे हो, जीएसटी में लिखा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल, उसके बावजूद भी अगर आप जीएसटी देके आ रहे हो तो अंकल गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आप कंप्लेन करो ना उसकी, आप उससे बात करो ना। वही सेम यहां पर है, अगर मान लो सामने वाले बंदे ने कंसेशनल स्कीम ली है उसके बाद भी आपके बिल में वो टैक्स चार्ज कर रहा है, आपसे रिकवर कर रहा है और आप टैक्स देकर आ रहे हो, गलती किसकी, आपकी गलती है, लॉ मेकर की गलती नहीं है। अंकल गुस्से होने की कोई बात ही नहीं है, गवर्नमेंट हर एक बंदे को चेक कैसे कर लेगी, 150 करोड़ का देश है, बताओ कैसे चेक कर लेगी अंकल, कैसी बात कर रहे हो आप। ठंड रखो, ठंड, गुस्सा नहीं होना। हाँ अगर कुछ ऐसा मिलता है तो इसमें गलती आपकी है, हमारी गलती नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि ये बर्डन तुम कस्टमर पे शिफ्ट नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है चलो अंकल ऐसा करते हैं, थोड़ा सा शांति से 10 डिफरेंस एक बार दोबारा से बताओ। ठीक है मैं जाता हूं, मैं भी सुनना चाहता हूं, आप भी सुनना चाहते हो, आप भी पहली बार पढ़ रहे हो आज, आप आए थे घर किसी काम से, मैंने आपको बिठा लिया उसके लिए माफी चाहता हूं, बट आपको मजा तो आ रहा होगा अंकल। आप भी अंकल लाइक करके जाना, हो सके आप भी कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। अब सारे 10 डिफरेंस बताओ आपने क्या क्या सीखा, तो ले बेटे फिर पकड़, अब 10 डिफरेंस गाबे कैच कर। गाबे देख पहला डिफरेंस ये है कि नॉर्मल स्कीम सेक्शन 10 में, सॉरी नॉर्मल स्कीम सेक्शन 9 में, कंसेशनल स्कीम सेक्शन 10 में। नॉर्मल स्कीम में आईटीसी मिलेगा, कंसेशनल स्कीम में आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉर्मल स्कीम में जब जीएसटी पे करने जाएंगे तो आईटीसी माइनस कर लेंगे, कंसेशनल स्कीम में आईटीसी माइनस नहीं कर सकते। नॉर्मल स्कीम वाले परचेज कहीं से भी करें, सेल कहीं पर भी करें, कंसेशनल स्कीम वाले परचेज कहीं पर भी करें, सेल जो करेंगे वो सिर्फ इंट्रा स्टेट करेंगे, इंटर स्टेट वो सेल कर ही नहीं सकते। नॉर्मल स्कीम वाले एक साल में 25 रिटर्न भरते हैं, या अगर QRMP स्कीम ली है तो एक साल में 5 रिटर्न भरते हैं, जबकि कंसेशनल स्कीम वाले एक साल में 2 ही रिटर्न भरते हैं। नॉर्मल स्कीम कोई भी पर्सन ऑप्ट कर सकता है, उसमें टर्नओवर की लिमिट नहीं है कि 150 लाख 200 लाख, ये लिमिट नहीं है। कंसेशनल स्कीम वाले ओनली स्पेसिफाइड पर्सन ऑप्ट कर सकते हैं जिनकी टर्नओवर पिछले साल की 150 लाख तक होगी, या 75 लाख तक होगी, या 50 लाख तक होगी, डिपेंड करता है। फिर नॉर्मल स्कीम में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा मेंटेन करने हैं, कंसेशनल स्कीम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम मेंटेन करने हैं। नॉर्मल स्कीम में अंकल टैक्स रेट ज्यादा होते हैं, 5, 12, 18, 28, कंसेशनल स्कीम में टैक्स रेट कम होते हैं, 1, 5 और 6। नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, बर्डन आप कस्टमर पे शिफ्ट कर सकते हो, कंसेशनल स्कीम में अंकल बर्डन जो है वो कस्टमर पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। और नॉर्मल स्कीम में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कंसेशनल स्कीम में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वाह भाई वाह, देख देख लेना लायक, पापा को समझ में आ गया, तू बैठा आराम से सीख ले कुछ पापा से, पहली बार पढ़ा पापा ने जीएसटी तो भी उनके कुछ ना कुछ पल्ले पड़ गया, और तू कह रहा ऐसे नहीं होता। हाँ पढ़ना पड़ता है उसके लिए, ठीक है चलो आ जाओ अंकल जी, अब अगले पर आओ जी, अगले डिफरेंस अब देखते हैं, अगले डिफरेंस क्या, आ जाओ। अगला डिफरेंस ये है अंकल, नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, नॉर्मल स्कीम वालों को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है, नॉर्मल स्कीम वालों को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। टैक्स इनवॉइस का मतलब जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी आप जाते हो, आप मार्केट से इनवॉइस लेकर आते हो, अगर उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा होता है, अगर उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा होता है तो वो नॉर्मल स्कीम वाले टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। कंसेशनल स्कीम वाले अंकल टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं।
हैं है गबे, अरे गबे के कहने लग रहा है के है बिल ऑफ सप्लाई। ओहो अंकल कैसे समझाऊं अंकल, बिल ऑफ सप्लाई ना देखो आप ये मानो, बिल ऑफ सप्लाई भी एक तरह का इनवॉइस होता है। बिल ऑफ सप्लाई सिर्फ दो केस में इशू होता है मेनली, अगर आपकी सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई है, जैसे मान लो मेरी सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, या अगर मैंने कंसेशनल स्कीम ली है तो मुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। तो अगर आप कंसेशनल स्कीम लेते हो ना, आप टैक्स इनवॉइस तो इशू कर सकते हैं ना, क्योंकि आप टैक्स तो चार्ज करोगे नहीं, जब टैक्स चार्ज नहीं करोगे तो टैक्स इनवॉइस का मतलब ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है हमने एक अलग फॉर्म निकाला है कि कंसेशनल स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। अगला डिफरेंस अंकल ये है कि जो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो ना, अब कंसेशनल स्कीम में क्या होता है, उस बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर मेंशन करना जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अंकल मैं आपको बताऊं, कैसे बताऊं अंकल आपको, यहाँ पे तो कोई कागज भी नहीं पड़ा। हाँ जैसे अंकल ये है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे मान लो ये ना बिल ऑफ सप्लाई है, अब ये बिल ऑफ सप्लाई है, ये बिल ऑफ सप्लाई मैं आपको दे रहा हूँ, तो इस बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर ना यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है क्या कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा होना चाहिए, बट ऐसा नॉर्मल स्कीम में नहीं होता। टैक्स इनवॉइस के ऊपर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमने नॉर्मल स्कीम ली है, क्योंकि टैक्स इनवॉइस का मतलब ही नॉर्मल स्कीम होता है, बट बिल ऑफ सप्लाई पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कंसेशनल स्कीम ली है, ताकि कस्टमर मिसलीड ना हो जाए, कस्टमर को पता लगे आपने बिल ऑफ सप्लाई क्यों इशू की है। तो उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, बस ये बात ध्यान दीजिए, क्या बात समझ में आ रही है। उसके बाद अंकल एक बात और सुनो, अब होता क्या है, अगर आप नॉर्मल स्कीम लेके बैठे हो ना, आपको दुकान के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाना, हेलो अंकल ओए ना, बस अब कितनी चाय पियोगे यार, बार बार भाग्यवान चाय लाना, हो गया अंकल बैठने दो उनको भी, सारा दिन आंटी काम करती रहती है घर का, आंटी भी थोड़ा जीएसटी पड़ लेगी, आंटी आप बैठो यार, सुनो ध्यान से। अब होता क्या है, अगर आप नॉर्मल स्कीम की बात कर रहे हो तो नॉर्मल स्कीम में दुकान के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाना, हाँ मैंने नॉर्मल स्कीम ली है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपने कभी बोर्ड देखा ऐसा नहीं होता। बट कंसेशनल स्कीम वालों को दुकान के बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ये उनको नोटिस बोर्ड साइन बोर्ड के ऊपर लिखना पड़ेगा कि हाँ कंसेशनल स्कीम ले रखी है। देखो वही बात यहाँ पे लिखी है, उनको दुकान के बाहर लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा ये बर्ड, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नॉर्मल स्कीम वालों में नहीं होती, बस ये बात ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी, ठीक है अब अगले पॉइंट पर आओ, और डिफरेंस देखते हैं जी। अब नॉर्मल स्कीम में जो होता है, नॉर्मल स्कीम में जीएसटी सेस एप्लीकेबल होता है, याद करो एक जीएसटी के अंदर मैंने कहा था जीएसटी कंपनसेशन एक्ट होता है, याद है कंपनसेशन एक्ट, तो एक जीएसटी में कंपनसेशन सेस लगता है, तो नॉर्मल स्कीम वालों पर तो लगता है, बट अगर कंसेशनल स्कीम ली है उस केस में सेस एप्लीकेबल ही नहीं होता। इट मीन अगर मैं कंसेशनल स्कीम लेके बैठा हूं उस केस में कोई भी सेस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है जी। उसके बाद अगर मैं नॉर्मल स्कीम की बात करूं तो नॉर्मल स्कीम में पेमेंट जो होती है, पेमेंट कैसे होती है, मंथली बेस पे। अंकल पता क्या चक्कर है, आप बात तो सही कह रहे हो, ये नहीं लाइक करेंगे भाई, ये नलायक है भाई, देख लिया मैंने इनकी हरकतें, ये नलायक है भाई, इनके हार दुखते हैं लाइक करते और कमेंट करते हुए। अभी कह दूंगा ना अपनी बेबी को मैसेज कर, बेबी ताना ताया नहीं ताया क्या तल्ले हो बेबी सुनो ना, तब तुम 2 घंटे मैसेज करते रहोगे उसको, यहां तुम्हारे हाथ दुखते हैं कमेंट और लाइक करते हुए नलायकों के। तो अब क्या होता है, नॉर्मल स्कीम क्या होता है, नॉर्मल स्कीम में पेमेंट हमें करनी होती है मंथली बेस पर। मतलब क्या होता है, जैसे याद है इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में इनकम कमाओ 1 साल टैक्स पे करो अगले साल, मतलब इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में इनकम कमाओ 1 साल टैक्स पे करो अगले साल। जीएसटी में ऐसा नहीं है, जीएसटी में तो क्या होता है भाई साहब, गवर्नमेंट हर महीने जीएसटी लेती है। आपको मैंने पहले भी बहुत बार बोल दिया, एक महीने का 2 लाख करोड़ रुपए का रिवेन्यू, 2 लाख करोड़ रुपए का रिवेन्यू जीएसटी से गवर्नमेंट कमा रही है, एक महीने की बात मैं कर रहा हूं, मतलब जीएसटी हर महीने पे करना है हमें, जो जीएसटी है वो हर महीने पे करना है अगर मैं नॉर्मल स्कीम लेके बैठा हूं, और अगर मैंने क्यूआरएमपी स्कीम ली है तो क्वार्टरली बेस पर पे करना है। बट कंसेशनल स्कीम में जो भी हमें कंसेशनल जीएसटी पे करना है वो क्वार्टरली बेस पर पे करना है, वो मंथली बेस पे नहीं करना। तो नॉर्मल स्कीम में अंकल आपको जीएसटी देना पड़ेगा मंथली बेस पे, और
यहाँ पे करना पड़ेगा क्वार्टरली बेस पे, ये फर्क आ रहा है वहां पर मंथली बेस अगले महीने की 20 तारीख, और अगर आपने कंसेशनल स्कीम ली है तो अगले क्वार्टर की 18 तारीख या उससे पहले आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगले पॉइंट पर आओ अंकल। फिर अंकल नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, जब आप जीएसटी पे करने जाते हो, सारे बच्चे मेरे को आंसर दे, हेलो भाई साहब, हेलो हेलो हेलो, इधर देखो ध्यान से मेरा बच्चा, इधर देखो ध्यान से, एक बात मेरे को बताओ, नॉर्मल स्कीम में क्या आईटीसी मिलता है? सारे बच्चे बताओ, क्या नॉर्मल स्कीम में आईटीसी मिलता है? क्या नॉर्मल स्कीम में आईटीसी मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। अब अगर नॉर्मल स्कीम में तुम्हें आईटीसी मिलता है, सोच के बताना, जब तुम नॉर्मल स्कीम में जीएसटी देने जाओगे तो क्या आईटीसी यूज कर सकते हो? कर सकते हैं। अच्छा, अगर आईटीसी खत्म हो गया फिर कैसे पे करोगे? कैश में। याद है आपको मैंने कहा था, हर एक पर्सन के जीएसटी पोर्टल पे 3 अकाउंट होते हैं, याद करो, रेगुलर बैच वाले बच्चे तो हां कर दें, याद है ना, जीएसटी पोर्टल पे 3 अकाउंट होते हैं, एक तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। लाइबिलिटी रजिस्टर में सारी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होता है, कैश लेजर में कैश की पेमेंट होती है। अब सारे बच्चे बताओ, अगर मैं नॉर्मल स्कीम लेके बैठा हूं तो नॉर्मल स्कीम के टाइम पर क्या मैं अपना क्रेडिट लेजर यूज कर सकता हूं? कर सकता हूं। अगर कुछ बच गया तो पेमेंट कहां से करूंगा? कैश से करूंगा। बट अपने बोल दो, अगर मैंने कंसेशनल स्कीम ले रखी है तो क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? बोल दो यार, अगर मैंने कंसेशनल स्कीम ले रखी है तो क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे क्रेडिट ही नहीं मिलेगा तो सारी पेमेंट कैसे करनी होगी? कैश में। तो सारी पेमेंट जो होगी वो कैश लेजर से होगी, उस केस में क्रेडिट का मतलब ही नहीं है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, आप यहां पे पेमेंट करोगे क्रेडिट लेजर, फिर पेमेंट करोगे कैश लेजर, और उसके बाद अगर यहां पे बात करोगे ओनली कैश लेजर की बात होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है अंकल? अंकल जी, मेरे प्यारे प्यारे अंकल जी, हंस दो एक बार, हंस दो एक बार, हंस दो अंकल, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कल रतन टाटा जी देख लो, बट जिंदगी हो तो रतन टाटा जैसी हो, वरना कोई जीने का फायदा नहीं है भाई साहब। दुनिया सैल्यूट कर रही है, मैं कहता हूं जिंदगी तो ऐसी हो, कहता ना कि आपने जीवन जैसा मर्जी दिया हो, आपने जीवन जैसा मर्जी दिया हो, आपका पता तब लगता है आप मरते हो कि मरने के बाद दुनिया सैल्यूट ठोकते नहीं ठोकते। आप समझ पा रहे हो? मतलब एक होता है मरने के बाद कहना आदमी अच्छा था, पहले तो बेकार बोलते गए फिर बाद में बोल दिया अच्छा था। एक होता है शुरू से अच्छा कहना और लास्ट तक अच्छा कहना। जिंदगी तो भाई साहब रतन टाटा जैसी हो, वो कहते हैं ना बाबू शाये, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं होनी चाहिए। मतलब जितनी भी जिंदगी हो ना, मतलब तसल्ली से काम कर रखा हो बंदे ने, भाई साहब जान ठोक रखी हो पूरी, वो है लाइफ, तो जो रतन टाटा जी ने जी है, लाखों की इंस्पिरेशन है भाई साहब, ये होती है जिंदगी भाई साहब। जिंदगी जियो तो ऐसी जियो भाई साहब कि जब कोई बंदा जाए तो फील हो कि कोई घर का बंदा ही चला गया, वो होती है लाइफ जिंदगी भाई साहब। क्या कुड़ कुड़ के जिंदगी जीना, जल जल के जिंदगी जीना, क्या जिंदगी, उस क्या फायदा उस जिंदगी का। ठीक है जी, तो चलो अब यहां पे तो क्या निकल के आ रहा है कि अगर मान लो कंसेशनल स्कीम है तो कंसेशनल स्कीम में ओनली कैश लेजर की बात करेंगे, पेमेंट हम करेंगे कैश के अंदर करेंगे, क्योंकि वहां पे क्रेडिट की बात ही नहीं होती। अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर अंकल जो नॉन रेजिडेंट होते हैं और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो एलिजिबल होते हैं नॉर्मल स्कीम के? मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने बच्चे भी इस टाइम सामने बैठे हैं, बच्चे और बच्चों के पापा से मेरा क्वेश्चन है। हेलो भाई साहब, बच्चों और बच्चों के पापा और बच्चों की मम्मियों, सुनो मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या इंडिया में नॉन रेजिडेंट काम करने के लिए आते हैं? बोलो हाँ आते हैं। क्या इंडिया में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन काम करने के लिए आते हैं? क्या हो गया, कौन होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? अंकल वो होते हैं जो ओकेजनली बेस पे काम करते हैं। जैसे एक बात बताओ, आपका मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, जो वहां पे रेड़ी लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, वो सब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ही तो हैं। जैसे दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, ट्रेड फेयर में जो दुकानें लगाने के लिए आ रहे हैं वो सब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है जो ओकेजनली बेस पर काम करने जाते हैं, उनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो जो ये नॉन रेजिडेंट होते हैं ना और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्कीम मिलती है, ये कंसेशनल स्कीम के एलिजिबल ही नहीं होते, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कैन अवेल ओनली रेगुलर स्कीम। अब जो ये ऑनलाइन वेबसाइट वाले नहीं होते, जैसे आपके घर में वो पीछे तो पड़ा पीछे, आपके पीछे
पीछे देखो एक बार, पीछे पीछे तो देखो एक बार, वो क्या पड़ा है? जोमेटो, जोमेटो का बॉक्स पड़ा है, पड़ा है ना? जलेबी, जलेबी मंगाई होगी आपने, कुछ खाया होगा पक्का। स्विगी, वो देखो स्विगी का बॉक्स पड़ा है। तुझे अंकल जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं ना, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, बुक माई शो, ये सब लोग अगर इनको जीएसटी में आना है तो नॉर्मल स्कीम ही मिलेगी, इनको कंसेशनल स्कीम नहीं मिल सकती। ये कंसेशनल स्कीम के एलिजिबल नहीं है, ये कंसेशनल स्कीम के एलिजिबल नहीं है। तो जो भी ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं ना, ऑनलाइन वेबसाइट वाले, तो ऑनलाइन वेबसाइट वाले को नॉर्मल स्कीम मिलेगी, इनको कभी भी कंसेशनल स्कीम नहीं मिल सकती, बस ये पर ध्यान दो। फिर दूसरा, जो सप्लायर है जो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सप्लाई कर रहा है वो भी नॉर्मल स्कीम लेगा। सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है वो इश्यू के लिए एलिजिबल नहीं है, बट सप्लायर हु सप्लाई ऑफ गुड्स इंटरेस्टेड थ्रू इश्यू इज एलिजिबल। हाँ, अगर कोई सप्लायर गुड्स की सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू और अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, सेम स्टेट में कर रहा है, तो वो कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता है, ये अमेंडमेंट है। अदरवाइज कोई भी सप्लायर अगर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सप्लाई करेगा वो स्कीम से बाहर है, उसको नॉर्मल स्कीम ही लेनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? और लास्ट पॉइंट यहां पे देखो, लास्ट पॉइंट देखो अंकल जी, लास्ट पॉइंट, नॉर्मल स्कीम वाले किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। क्या कह रहे हो आप? नहीं नहीं क्या कह रहे हो? हाँ, आइसक्रीम हो गया, जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको, ब्रिक्स होती हैं जो ईंटें होती हैं, नॉर्मल स्कीम में कोई रोक टोक नहीं है, बट कंसेशनल स्कीम में रोक टोक है। कंसेशनल स्कीम में 8 गुड्स ऐसे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं कर सकते। अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप कंसेशनल स्कीम ले ही नहीं सकते। हाँ, आप इसकी ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेडिंग अलाउड है। टबैको बेचो, पान मसाला बेचो, ब्रिक्स बेचो, आइसक्रीम बेचो, बेचने से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग करने वाले कंसेशनल स्कीम ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले नहीं ले सकते। अब कौन कौन से गुड्स हैं देखो जी यहां पर, तो पान मसाला, एरेटेड वाटर, टबैको, आइसक्रीम, इसको हम बोलते हैं पत्ती, इसको हम बोलते हैं पत्ती। और ये ब्रिक्स हैं, कौन कौन से ब्रिक्स हैं? बिल्डिंग ब्रिक्स, रूफिंग टाइल्स, फ्लाई एश ब्रिक्स और ब्रिक्स ऑफ फॉसिल ऑयल, मतलब किसी भी तरह की जो ब्रिक्स होती है वो यहां पे आएंगी। तो हमने क्लास में याद किया था, पति को ईंटे मारो, नहीं 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 आंटी, नहीं आंटी, नहीं आंटी, ईंट रखो नीचे, ना ना, ये तो शॉर्ट फॉर्म बताइया मैंने, ये नहीं कि पति को ईंटे मारो, कहीं सिर फोड़ दो, ऐसे पता लगे मेरे को फोन कर दो और मेरे को पिटवा दो, नहीं मारनी भैया पति को ईंटे, वो याद करने के लिए मैंने कहा पति को ईंटे मारो, ये थोड़ा कि ईंट उठा के पति को मार दोगे आप, हद होगी यार, ये कोई बात थोड़ा होती है। ये थोड़ा कि जो तुम्हारे दिल में चल रहा है वो तुम आज जुबान पे ले आओगे। हाँ, याद करने का तरीका ये कि पति को ईंटे मारो, पति का मतलब पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको, आइसक्रीम और 4 तरह की ब्रिक्स होती हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ, सारे के सारे 20 डिफरेंस बता दो फटाफट से, सारे बच्चे फटाफट से बताओ 20 डिफरेंस कौन कौन से हैं, मजा आ जाएगा। चलो जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो आधा चैप्टर हमारा पैक हो गया बातों बातों में, तुम्हें पता लगा आधा चैप्टर हमारा खत्म हो गया, बस अब क्या रह गया? 150 लाख की टर्नओवर कहां है? 75 लाख की कहां है? 50 लाख की कहां है? और वह टर्नओवर निकालते कैसे है? बस ये दो बातें हमें समझ में आ गई, चैप्टर हमारा खत्म, और कुछ चैप्टर में है ही नहीं। तो बताओ फटाफट से 20 डिफरेंस कौन कौन से हैं। चलो अंकल, कमॉन कमॉन अंकल, कमॉन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट अंकल, कमॉन यार बताओ। तो बेटे सुनो, देखो पहला डिफरेंस ये, नॉर्मल स्कीम वाले सेक्शन 9 में है, कंसेशनल स्कीम वाले 10 में है। नॉर्मल स्कीम वालों को ITC मिलेगा, कंसेशनल स्कीम वालों को ITC नहीं मिलेगा। नॉर्मल स्कीम वाले जब GST पे करने जाएंगे तो ITC माइनस कर लेंगे, कंसेशनल स्कीम वाले ITC माइनस नहीं कर सकते। नॉर्मल स्कीम वाले परचेज कहीं से भी करें, सेल कहीं पर भी करें, कंसेशनल स्कीम वाले परचेज कहीं से भी करें बट सेल दूसरी स्टेट में नहीं कर सकते, सेम स्टेट में सेल कर सकते हैं। नॉर्मल स्कीम कोई भी पर्सन ले सकता है, कंसेशनल स्कीम जो है वो वही ले पाएगा जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होगी या 75 लाख तक होगी या 50 लाख तक होगी, वो कहां कहां कौन सी लिमिट है वो हम देख लेंगे। नॉर्मल स्कीम में क्या होता है अंकल, नॉर्मल स्कीम में आपको जो रिटर्न भरनी होती है वो 1 साल में रिटर्न भरनी होती है 25, और अगर QRMP स्कीम ली है तो 5 रिटर्न भरनी होती है, बट कंसेशनल स्कीम में 2 ही रिटर्न जाती है, ये फायदा आपको मिल जाता है। अंकल नॉर्मल स्कीम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम मेंटेन करने हैं, कंसेशनल स्कीम के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा मेंटेन करने हैं। नॉर्मल स्कीम में टैक्स रेट ज्यादा है, 5, 12, 18, 28, कंसेशनल स्कीम में अंकल टैक्स रेट कम है। नॉर्मल स्कीम में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्लासिफाई करना होता है,
कंसेशनल स्कीमें क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मल स्कीमें टैक्स का बर्डन तुम कस्टमर पे शिफ्ट कर सकते हो, कंसेशनल स्कीमें टैक्स का बर्डन तुम कस्टमर पे शिफ्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल स्कीमें क्या होता है, नॉर्मल स्कीमें जीएसटी सेस एप्लीकेबल होता है, कंसेशनल स्कीमें जीएसटी सेस एप्लीकेबल ही नहीं होता है। नॉर्मल स्कीम के अंदर क्या होता है, नॉर्मल स्कीमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है, कंसेशनल स्कीमें बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। नॉर्मल स्कीमें पेमेंट करनी होती है नॉर्मली मंथली बेस पे, कंसेशनल स्कीम के अंदर पेमेंट करनी होती है क्वार्टरली बेस पे। फिर नॉर्मल स्कीम के अंदर क्या होता है, नॉर्मल स्कीम में जो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, तो जो नॉर्मल स्कीम में टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं उसके ऊपर कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंसेशनल स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर मेंशन करना होता है हमने कंसेशनल स्कीम ली हुई है। नॉर्मल स्कीम में दुकान के बाहर बोर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है नॉर्मल स्कीम का, कंसेशनल स्कीम में दुकान के बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा, कंसेशनल स्कीम का हमने कंसेशनल स्कीम ली है, हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। फिर जो नॉन रेजिडेंट होते हैं और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो नॉर्मल स्कीम तो ले सकते हैं बट वो कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकते। फिर अगला डिफरेंस अगर ये निकल के आ रहा है जो था, हाँ, नॉर्मल स्कीम जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं वो नॉर्मल स्कीम ले सकते हैं बट वो कंसेशनल स्कीम के एलिजिबल नहीं होते। अगर कोई सप्लायर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सामान बेचना चाह रहा है नॉर्मल स्कीम ले सकता है बट वो कंसेशनल स्कीम नहीं ले पाएगा। बट हाँ, अगर उसने सामान बेचना है, गुड्स बेचना है और सेम स्टेट में बेचना है फिर वो कंसेशनल स्कीम की ले सकता है। नॉर्मल स्कीम वाले किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कंसेशनल स्कीम वाले 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। नॉर्मल स्कीम वाले 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। 8 गुड्स कौन कौन से हैं, पति को ईंटे मारो, पान मसाला, एरिड वाटर, टबैको, आइसक्रीम और 4 तरह की ब्रिक्स होगी जी। ये आई थिंक सारे डिफरेंस हमारे खत्म हो चुके हैं। सर आपने गलत बोला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेस रिक्वायर। हाँ तो मैंने वही तो बोला कि नॉर्मल स्कीम में ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, कंसेशनल स्कीम में कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है जी। सो सिंपल, सो इजी। आई थिंक अब कोई डिफरेंस हमारा बैलेंस नहीं बचा। आई थिंक आपको भी याद हो गए होंगे, मतलब कम से कम 20 में से। हाँ एक पॉइंट और रह गया, नॉर्मल स्कीम में जब भी हमें जीएसटी पे करना है तो क्रेडिट लेजर से पे करना है, अगर कुछ बच गया तो कैश लेजर से पे करना है। कंसेशनल स्कीम में जब भी हम जीएसटी पे करेंगे तो कैश लेजर से ही पे करेंगे, उसमें क्रेडिट लेजर की बात नहीं होती जी। हो गया सारे पॉइंट जी, हो गया, अब बोल दो, डन, इजी पीजी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों, बढ़िया 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 बढ़िया। आ जाओ अगले पॉइंट पर, आ जाओ, आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ। अब देख लो यहाँ पे कहाँ कहाँ 150 लाख की लिमिट है और कहाँ कहाँ लिमिट आपकी जो है 75 लाख की है, कहाँ कहाँ 50 लाख की लिमिट है। अब ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है। अब ये लिमिट निकालनी कैसे है वो कल वाली क्लास में करेंगे, आज वाली क्लास में बस हम ये देख के जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है। अब एक बात मेरे को सारे बच्चे बता दो, कंसेशनल स्कीम किस सेक्शन में है, बता दो जल्दी बताओ, कंसेशनल स्कीम किस सेक्शन में है, जल्दी बोलो फटाफट से। सारे बच्चे बता दो कंसेशनल स्कीम किस सेक्शन में है, फटाफट से बोल दो किस सेक्शन में है। सेक्शन नंबर 10 में। अब आप मेरे को बताओ कि सेक्शन 10 में कंसेशनल स्कीम तो है बट सेक्शन 10 में ना, सुनो ध्यान से, सेक्शन 10 में एक तो सेक्शन 10(1) है, एक सेक्शन 10(2) है और एक सेक्शन 10(2A) है, एक 10(3) है। 10(3) को तो एक बार इग्नोर कर दो, मेन ये 3 पॉइंट है। अब इन 3 पॉइंट में इन दोनों को तो हमें एक साथ पढ़ना है और इसको हमें पढ़ना है एक साथ, इसको अलग पढ़ना है। ये आया था पहले और ये आया है बाद में। ये आया था पहले मतलब जब जीएसटी का लॉ बना, जब जीएसटी का लॉ बना उस टाइम पर सेक्शन 10(1) और 10(2) था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, बाद में गवर्नमेंट ने सेक्शन 10(2A) इंसर्ट किया। तो सबसे पहले ये समझो, जब स्टार्टिंग में स्कीम बनी थी तो उस टाइम ये स्कीम किस किस के लिए एप्लीकेबल थी, पहले हम ये देखते हैं, फिर बाद में सेक्शन 10(2A) क्यों लेकर आए वो देख लेंगे। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन 10(1) और 10(2) की, तो स्कीम जो एप्लीकेबल थी, गवर्नमेंट ये बात बोलती थी ये स्कीम मिलेगी अगर आप गुड्स के, ध्यान रखना, अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो आप 10(1) 10(2) की स्कीम ले सकते हो। कब ले पाओगे, पिछले साल की टर्नओवर अगर आपकी 150 लाख तक है, अगर आप नॉर्मल स्टेट में काम कर रहे हो, और अगर वही तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो तो लिमिट तुम्हारी 75 लाख है। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन सी होती है वो हम देख लेंगे, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लिमिट आपकी 75 लाख है अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो।
हाँ ऑब्वियस ही बात है, उन गुड्स को छोड़ के जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो आर्थ गुड्स है ना उनको छोड़ के। फिर अगर आप गुड्स के ट्रेडर हो, अगर आप गुड्स के ट्रेडर हो इंक्लूडिंग वो आर्थ गुड्स, क्योंकि ट्रेडिंग उनकी कर सकते हो, तो 10-1, 10-2 की स्कीम मिलेगी, 150 लाख की लिमिट है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में काम करोगे तो 75 लाख की लिमिट है। फिर अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो तो 10-1, 10-2 की स्कीम मिल जाएगी, 150 लाख की लिमिट है और 75 लाख की लिमिट यहां पे निकल के आ रही है। तो पहली बात ये समझो, जब ये स्कीम स्टार्टिंग में बनी तो बस ये 3 लोगों के लिए थी। अगर मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं मैं स्कीम ले सकता हूं, अगर मैं गुड्स का ट्रेडर हूं मैं स्कीम ले सकता हूं, अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं तो स्कीम ले सकता हूं। कब मिलेगी? अगर मेरी पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख तक है तो करंट ईयर में मैं ये स्कीम ले पाऊंगा। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करूंगा तो लिमिट वहां पर 75 लाख रुपए की है। यहां तक मेरी बात समझ में आती है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक बात में गौर बताओ सारे बच्चे, एक बात मेरे को सोच के बताना। अगर मान लो मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, सारे बच्चे बोलना, अगर मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं ये स्कीम ले सकता हूं, बट अगर मैं गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ 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 में थोड़ी सी सर्विस देना चाहता हूं, तो जैसे आज एसी की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला एसी की रिपेयर की सर्विस भी देता है, और एसी को बेचने वाला एसी को रिपेयर करने की सर्विस भी देता है। अब अगर मान लो मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, गुड्स का ट्रेडर हूं और साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहता हूं, तो क्या 10-1, 10-2 की स्कीम मिलेगी? मेरे को मिलेगी नहीं, स्कीम है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो तो स्कीम मिलेगी। अगर मैं इनके साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहता हूं फिर, तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट कीजिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब क्या वो भी हम देख लेंगे, उसमें कौन कौन सी स्टेट आएंगे। फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें अमेंडमेंट की, और अमेंडमेंट करके क्या बोला कि अगर आप, इधर देखो ध्यान से, अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहते हो, मार्जिनल सर्विस, तो 10-1, 10-2 की स्कीम मिल जाएगी, 150 लाख की लिमिट, 75 लाख की लिमिट। अगर आप गुड्स के ट्रेडर हो साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहते हो, 10-1, 10-2 की स्कीम तुम्हें मिल जाएगी। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो साथ में कोई दूसरी सर्विस देना चाहते हो थोड़ी सी, 10-1, 10-2 की स्कीम मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब जो ये तुम साथ में सर्विस देना चाहते हो ना, इस सर्विस देने की एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि तुम जितनी मर्जी सर्विस दे सकते हो। गवर्नमेंट ने क्या बोला, मार्जिनल सर्विस। अब मार्जिनल सर्विस का मतलब क्या है, कितनी सर्विस हमें देनी अलाउड की गई है? तो गवर्नमेंट ने कहा तुम सर्विस दे पाओगे जितनी तुम्हारी पिछले साल की टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख रुपए इनमें से हायर, तुम इतनी सर्विस दे सकते हो करंट ईयर में, इसके ऊपर की सर्विस दे नहीं सकते। मतलब अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो साथ में सर्विस देना चाहते हो, इतनी सर्विस अलाउड है। अगर आप गुड्स के ट्रेडर हो साथ में सर्विस देना चाहते हो, इतनी सर्विस अलाउड है। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो साथ में कोई दूसरी सर्विस देना चाहते हो, इतनी सर्विस अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ने इतनी सर्विस देना अलाउड कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी सर्विस आप उन तीनों के साथ में दे सकते हो। मुझे नहीं पता मेरे क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अगर एक बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा मेरे को बता देगा, कम से कम मैं 5 लाख तक की सर्विस तो दे ही सकता हूं और ज्यादा से ज्यादा 15 लाख तक की सर्विस दे पाऊंगा, क्योंकि अगर पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख है उससे ऊपर अगर होगी तो स्कीम ही नहीं मिलेगी। अगर 150 लाख भी है तो 150 का 10% 15 लाख, तो ज्यादा से ज्यादा 15 लाख तक की सर्विस दे सकता हूं और कम से कम 5 लाख तक की सर्विस मैं दे सकता हूं करंट ईयर के अंदर, अगर मैं इनके साथ में सर्विस देना चाहता हूं तो। जी टेंशन मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे दिमाग पे सलवटे मत डालो कि सर एक आधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाए तो क्या होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। बट अभी पहले प्रोविजन समझो, गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर तुम गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, साथ में सर्विस देना चाहते हो तो दे सकते हो। कितनी सर्विस दे सकते हो? 5 लाख से लेके 15 लाख तक की सर्विस तुम करंट ईयर में दे सकते हो, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, कम से कम 5 लाख तक की सर्विस दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 लाख तक सर्विस हम दे पाएंगे, इसके ऊपर की सर्विस हम दे नहीं पाएंगे। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो ये सर्विस तुम्हें देनी अलाउड की गई है, जो ये सर्विस तुम्हें देनी अलाउड की गई है, सारे बच्चे बोलना, क्या ये 150 लाख के अलावा है या 150 लाख के अंदर है? बताओ
क्या ये सर्विस 150 लाख के अलावा है या 150 लाख के अंदर है? ये सर्विस 150 लाख के अंदर है। मतलब तुम करंट ईयर में 150 लाख से ऊपर की सप्लाई नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग दिस सर्विस ऑल्सो। अगर तुम्हें साथ में सर्विस देनी है तो सर्विस और गुड्स दोनों को मिलाकर जो लिमिट होगी वो 150 लाख की लिमिट होगी। ये इन एडिशन टू 150 लाख की लिमिट नहीं है, ये लिमिट 150 लाख और 75 लाख के अंदर है। बस एक बार ध्यान दो, बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये मत कहना कि 150 लाख से ऊपर है। ना 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 ना, 150 लाख से ऊपर नहीं है, 150 लाख की टोटल लिमिट है, उसके अंदर ही ये लिमिट एप्लीकेबल है, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर उससे बाहर जाओगे तुम स्कीम से ही बाहर आ जाओगे। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, अगर मेरी पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख तक है तो करंट ईयर में मैं 150 लाख तक की सप्लाई कर सकता हूं, और 150 लाख के अंदर ही गुड्स भी है और 150 लाख के अंदर भी सर्विस है, और सर्विस की जो लिमिट है वो आपके सामने है। और आप चेक करो, देखो मैंने यहां पे लिमिट लिखी भी है, आप चेक करोगे मैंने यहां पे लिमिट लिखी भी है, लिमिट जो है वो 175 लाख रुपए ही है, लिमिट नहीं बदलेगी, लिमिट सेम रहेगी। इसी में ही गुड्स की लिमिट है, इसी में सर्विस की लिमिट है, बट तुम सर्विस कितनी दे सकते हो? सर्विस जो तुम दोगे वो इतनी सर्विस दोगे, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा क्वेश्चन है, सारे बच्चे मेरे को आंसर दें, एक पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना चाहता है, वो कोई गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वो सर्विस देना चाह रहा है, मान लो कंसल्टेंसी की सर्विस देना चाह रहा है या ब्यूटी सैलून खोलना चाह रहा है, मतलब सिर्फ सर्विस देना चाह रहा है, क्या वो अभी तक क्या वो सिर्फ सर्विस दे सकता है? सारे बच्चे बोलना, क्या वो अभी तक, अगर वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना चाहता है, क्या अभी तक जो हमने पढ़ा क्या वो सर्विस दे सकता है? नहीं दे सकता, खाली सर्विस नहीं दे सकता वो। या तो वो अगर मैन्युफैक्चरर है उसके साथ में सर्विस देना चाह रहा है, अलाउड है। ट्रेडर है उसके साथ में सर्विस देना चाह रहा है, अलाउड है। रेस्टोरेंट वाला है उसके साथ में सर्विस देना चाह रहा है, अलाउड है। वो अलग से सर्विस दे नहीं पाएगा सर, अलग से नहीं दे पाएगा। इट मीन्स अगर मैं अलग से सर्विस देना चाह रहा हूं तो मैं अलग से सर्विस नहीं दे सकता। बात समझ में आ रही है? ओनली सर्विस अलाउड नहीं है। चेक करो, ओनली सर्विस हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। 10-1, 10-2 में ओनली सर्विस की बात ही नहीं है। मैं टीचिंग में हूं, टीचिंग एक सर्विस वाली कैटेगरी में कवर है, 10-1, 10-2 मेरे लिए कहां पे है भाई? 10-1, 10-2 तो है ही नहीं। मैं कहां जाऊंगा? 10-1, 10-2 मेरे ऊपर है ही नहीं। मेरा काम प्योरली सर्विस देने का है, मैं कंसल्टेंसी की सर्विस देना चाहता हूं, बताओ 10-1, 10-2 के अंदर कहां कवर हो जाऊंगा मैं? तो जो प्योरली सर्विस दे रहे हैं, जो सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, वो 10-1, 10-2 में कहां है? तो फाइनली गवर्नमेंट उनके लिए लेकर आई 10-2A। तो देखो यहां पे अब आया गवर्नमेंट कि अगर आप सिर्फ सर्विस देना चाहते हो, सर्विस देना चाह रहे हो, या सर्विस के साथ में थोड़े से गुड्स देना चाह रहे हो, तो 10-2A आपके ऊपर लगेगा, और लिमिट लगेगी 50 लाख रुपए की, चाहे नॉर्मल स्टेट है चाहे स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, 50 लाख रुपए की लिमिट आप वाले केस में एप्लीकेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो जो 50 लाख रुपए की लिमिट है ना, वो इस केस में है। अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन ओनली सर्विस देना चाह रहा है तो सेक्शन 10-2A की वो स्कीम ले पाएगा, वो 10-1, 10-2 में स्कीम नहीं ले सकता। 10-2 में 50 लाख रुपए की लिमिट है, अगर पिछले साल 50 लाख रुपए की लिमिट है तो करंट ईयर में 50 लाख तक मैं सर्विस दे सकता हूं। बस एक बार ध्यान दो। तो ये पूरा एक डायग्राम, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है, मैं सही बता रहा हूं, इससे बढ़िया डायग्राम तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं कि किस किस केस में कौन सा सेक्शन तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे केस में लिमिट कौन सी है। तो सर्विस वाले केस में चाहे नॉर्मल स्टेट हो चाहे स्पेशल स्टेट हो, लिमिट सेम है 50 लाख की। अब बच्चा कह रहा है स्पेशल स्टेट होती कौन सी है जी? तो ये रही आपके सामने ये स्पेशल स्टेट है, देखो जी ये स्पेशल स्टेट है, उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा। इसको हम ऐसे याद करते हैं, इसको हम याद करते हैं नस्ट, ठीक है? जैसे मान लो व्हाट्सएप पे हम किसी को मैसेज करते हैं ना नस्ट, तो आपको इस तरह से याद करना है, उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा। इन 8 स्टेट में लिमिट जो एप्लीकेबल होगी वो 75 लाख रुपए की लिमिट होगी, बाकी सब स्टेट में लिमिट 150 लाख की है। बट अगर मैं प्योरली सर्विस की बात करूंगा, सेक्शन 10-2A की बात करूंगा, तो वहां जो लिमिट होगी वहां 50 लाख रुपए की होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है?
चलो अब एक बार फटाफट से ऐसा करो, अब एक बार फटाफट से ऐसा करो, मेरे को फटाफट से बताओ, फिर हम क्लास को पैक कर रहे हैं। बताओ जी अब किस किस केस में कौन सी लिमिट है। सारे बच्चे ध्यान दो, मैं सिर्फ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और कुछ नहीं करता, 10-1 10-2 में कवर हो जाऊंगा, 150 लाख की टर्नओवर है नॉर्मल स्टेट में, स्पेशल स्टेट में 75 लाख। मैं सिर्फ गुड्स की ट्रेडिंग करता हूं, 150 लाख की लिमिट नॉर्मल स्टेट में, 75 की स्पेशल स्टेट में। मैं रेस्टोरेंट सर्विस देता हूं और कुछ नहीं करता, 150 लाख की नॉर्मल स्टेट में, 75 की स्पेशल स्टेट में। मैं गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, साथ में उसके साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहता हूं, दे सकता हूं, बट सर्विस कितनी दे पाऊंगा, जितनी मेरी पिछले साल की टर्नओवर होगी उसका 10% और 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, इतनी सर्विस मैं करंट ईयर में दे सकता हूं गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ, बट टोटल लिमिट जो होगी वो 150 लाख की होगी। मैं गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा हूं, साथ में सर्विस देना चाहता हूं, दे सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी सर्विस, पिछले साल के टर्नओवर का 10% और 5 लाख, रिच एवरेज हायर, इतनी सर्विस दे सकता हूं, कंबाइन लिमिट जो होगी वो 150 लाख के अंदर रहेगी। मैं रेस्टोरेंट की सर्विस देता हूं, साथ में उसके अलावा दूसरी सर्विस देना चाहता हूं, दे सकता हूं, कितनी सर्विस, पिछले साल के टर्नओवर का 10% और 5 लाख, रिच एवरेज हायर, उतनी सर्विस में दे सकता हूं, कंबाइन लिमिट जो होगी वो 150 लाख की लिमिट होगी। बट मैं एक्सक्लूसिवली सर्विस देना चाहता हूं, सिर्फ सर्विस देना चाहता हूं, कुछ और नहीं करना चाहता, मेरा काम ही सर्विस देने का है, दे सकता हूं, बट 10-2 एमए लिमिट मेरी अप्लीकेबल होगी, 50 लाख रुपए की लिमिट मेरे को मिलेगी, चाहे नॉर्मल स्टेट हो चाहे स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो। शिवाली 3 बार तो मैंने बता दिया यार, कैसी बात कर रहे हो नालायक। मैं पहले देखो पहले बता दूं यार, मेरी बात का बुरा मत मानना, पहली बार पढ़ रहे हो, आपसे माफी चाहूंगा। अब 120 घंटे का जीएसटी में 40 घंटे में नहीं समझा पाऊंगा यार, 40 घंटे से ऊपर जा रहा है, आप समझो जीएसटी खत्म ही नहीं हो पाएगा ऐसे, अगर हमें खत्म करना है जाएगा दिसंबर तक, तभी मैं कह रहा हूं घर से थोड़ा बहुत पढ़ के आया करो। आप ये सोच रहे हो कि एक घंटे के अंदर मैं समझ लूंगा तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, समझ सकते हो बट उस लेवल पे नहीं समझ में आ पाएगा। मैं फिर भी दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आप साथ में सर्विस देना चाहते हो, उन तीनों के साथ में अलाउड है देना, कितनी सर्विस देना अलाउड है, जितनी तुम्हारी पिछले साल की टर्नओवर होगी उसका 10% और 5 लाख रुपए, इनमें से जो हायर है इतनी सर्विस तुम करंट ईयर में दे सकते हो, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। मतलब अगर तुम्हारी पिछले साल की टर्नओवर 120 लाख है, तुम करंट ईयर में सर्विस देना चाहते हो, कितनी दे सकते हो, 120 लाख का 10% 12 लाख और 5 लाख हायर क्या बन गया 12 लाख, तो करंट ईयर में तुम 12 लाख तक की सर्विस दे पाओगे, बस ये पर ध्यान दो। और अगर एक्सक्लूसिवली सर्विस देनी है तो फिर लिमिट तुम्हारी 50 लाख रुपए की है, सेक्शन 10-2A के अंदर, यह गवर्नमेंट यहां पर कहना चाह रही है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? चलो अब इसको पैक कर रहे हैं जी, ठीक है। अब बाकी हम मिलेंगे कल, कल इस चैप्टर को हम फाइनली पैक करेंगे, अब इसको पहले से एक बार घर से पढ़ के आएंगे, कल इस चैप्टर को हम पैक करके और हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और कल हम सुबह मिलेंगे 8:30 बजे, ठीक है जी। अपलोड हो जाएगी दीक्षा जी, यूलिप और एलआईपी वाली क्लास आधे घंटे की मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर, आप टेंशन बिल्कुल मत लें, आप उसको देख लेना, ठीक है जी। चलो बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट हर बच्चा जरूर करके जाना कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है जीएसटी में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।